सबसे पहले तो मैम मैं आपका स्वागत करता हूँ सबकी बिहाफ पे और एक ऐसा सवाल है जो मतलब तीन साल पहले आपसे मिलने पर हमने पूछा था जब आप मरदानी लेकर आए थे और अब जब आप वापस आए तो दोबारा ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप जितनी बार आते हो सिर्फ क्लास लगाने आते हो क्या यहाँ बच्चों की क्लास लगाई है लास्ट टाइम आप लोगों ने बड़े बड़े गुंडों की क्लास लगाई थी क्लास लगाने से आपको इतना क्या लगाव है अच्छा लगता है क्लास लगाना अच्छा लगता है अच्छा लगता है घर पे भी सबकी क्लास होती है बाहर भी थोड़ा अच्छा लगता है आए, क्या आपके लिए हिचकी क्या है हमारे लिए तो ये समझ में आ गया कि गले और पेट की मांसपेशियां जब कम हवा के कारण सिकुड़ती हैं तो हिचकी आती है हाँ लिटरल मीनिंग ऑफ हिचकी राइट अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो हिचकी uh, लेकिन ये हिचकी उस हिचकी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है उसका मीनिंग थोड़ा और ज्यादा मतलब बड़ा है और हम हमने कोशिश की है कि जो ट्रेट्स सिंड्रम है जो डिसऑर्डर uh, है लड़की को उसे हमने हिचकी बताया क्योंकि आम लैंग्वेज में हम टूरेट्स सिंड्रम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हिचकी एक ऐसी शब्द है जो हम सबको होती है हम सबको है तो हिचकी इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द टूरेन्ड्रम इन अ वे दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट आपने लोगों को हिचकी के अलग अलग मायने बताने का सोचा है और इसलिए आपने पूरी एक किताब छापी है हम इस किताब पर बढ़े उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं जब बचपन में आपको हिचकी आती थी या अभी भी लिटरली अगर आपको हिचकी आती है तो कौन कौन से उपाय को आप फॉलो करते हैं कि आपकी हिचकी चली जाए पानी पीते हो सिर्फ पानी ऊपर देखते हो और कभी घर वालों ने कहा कि कोई तुम्हें याद कर रहा है इसलिए तुम्हें हिचकी आ रही हो हाँ याद करता है या कोई गाली दे रहा है या कोई प्यार से याद कर रहा है हिचकी तो तभी आती है हम लोग को भी हिचकी बहुत ज्यादा आई है हम आपको याद कर रहे थे इसलिए तीन साल बाद आपको आना ही पड़ा <laughs> सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हिचकी जैसा मुद्दा उठाना आपको क्यों जरूरी लगा आ, ये कोई मुद्दा नहीं है आ, ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सी एक फिल्म है हिचकी और हिचकी के थ्रू हम ये भी बताना चाहते थे लोगों को कि हम सबको एक तरह की हिचकी है आ, जैसे नैना को तो हिचकी है ही उसको टुरित सिंड्रम है जो जैसे आपने देखा उसको मोटर टिक्स होते हैं ये एक न्यूरोसाइकैट्रिक डिसऑर्डर है आ, जब जैसे कि मैंने आम भाषा में बोला है कि जब ब्रेन्स में कुछ तार ठीक से नहीं जुड़ते तो हिचकी होती है जिनको जिनको समझ में नहीं आती है लेकिन हमने शायद बहुत से लोगों को हमारे लाइफ में जीवन में देखा है जिनको टुरित सिंड्रम है लेकिन शायद इंडिया में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तो uh, जैसे कि ये एक प्रॉपर हिचकी है लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना दिमाग की हिचकी लोगों को होती है जैसे कि uh, कोई लड़की अगर कम कपड़े में चलती है रात को तो कहते हैं कि वो क्यों पहन के चल रही थी छोटे कपड़े तो वो हमारे दिमाग की हिचकी है uh, जैसे हम कहते हैं कि uh, माँ बनने के बाद uh, एक लड़की का करियर इतना ज़्यादा नहीं मतलब डिक्लाइन पे जाता है तो वो किसी के दिमाग की वो हिचकी होती है कि आप इस तरह से सोचते हो तो हमारे जैसे लाइफ में बहुत सारी ऐसी हिचकीज़ है जैसे हिचकी ऑफ़ यू नो डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलिजन कास्ट कलर रेस बहुत सारी ऐसी मतलब हिचकी है रिलिजन को लेके हिचकी तो हमने सोचा कि उसको और इस मुद्दे को साथ में जोड़ के एक एक्सप्लेन करें कि हिचकी क्या होती है